तो चलिए बात करते हैं सेल उडारिया के एक बड़े अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एकम को वो पार्सल मिला है, उस पार्सल में उसके पापा के लिए शॉल जो है वो नेहमत ने शिमला में खरीदे थे। जब नेहमत ने खरीदे थे उस वक्त वो स्टॉक खत्म हो गया था और नेहमत ने उस शॉपकीपर को ये कहा था कि जब ये स्टॉक आएंगे तब इस एड्रेस पर ये शॉल जरूर भिजवा देना, और उसके साथ एक लेटर भी नेहमत ने लिखा था। अब वो शॉल और लेटर दोनों अब जाकर मिले हैं एकम को। अब एकम उस शॉल और लेटर को देखकर इस बात को सोच रहा है कि वहां जाने के बाद भी नेहमत जो है वो पापा जी के बारे में सोच रही थी, वो पापा जी को खुश कैसे रखा जाए ये सोच रही थी। तो क्या मैं गलत हूं, क्या नेहमत जो है उसने ये सब कुछ भी नहीं किया है? अब एकम को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब वो सब पहलुओं को, सब तारों को जोड़कर देख रहा है कि आखिर नेहमत क्या सचमुच गलत है, और सब कुछ सोचने विचारने के बाद एकम इस नतीजे पर पहुंचता है कि नेहमत गलत नहीं है। गलत तो उसका गुस्सा था और वो गुस्से में आकर नेहमत को गलत सोच रहा था, जहां एकम अब खुद जाएगा नेहमत के पास, उससे माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो। आपको बताते चले कि नेहमत एकम को माफ़ कर देगी और दोनों फिर से एक हो जाएंगे, लेकिन ये जो प्यार है और ये जो इनका अपनापन है बस कुछ दिनों के लिए है, क्योंकि बहुत जल्द ये दोनों अलग फिर से हो जाएंगे। देखना दिलचस्प होता है कि कैसे और क्या शो में ट्विस्ट आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।